पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके चलते हुए हमारे गांव में हमारे गांव वासी और हमारे गांव के युवाओं का जो सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि आपके द्वारा दिए गए संदेश का पालन कर रहे हैं, घर पे रहिए, तो सर इसके लिए हमने अपने गांव में बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अपने गांव के दोनों प्रवेश द्वारों पर नाके लगाए हुए हैं, जिसमें मैं खुद भी जाती हूँ और मेरे गांव के जितने भी मेरे पंच हैं और जो उनमें उनके साथ हमारे युवा हैं, वो सब वहां पे पहरा दे रहे हैं, ताकि ना कोई गाँव से बाहर जा सके बिना काम से और ना ही कोई गाँव के अंदर आ सके। और इसके बाद जो हमने घर घर जाके लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी है, वैसे तो सर जो 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसी दिन जो 31 तक जो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, काफी लोग हैं जो उसी टाइम इस चीज की पालना कर रहे थे कि लॉकडाउन है तो अपने अपने घर पे रहिए। और हमारे द्वारा, मेरी पूरी पंचायत के द्वारा जो है, लोगों को समझाया गया है अपने घर पर रहिए, और अपने अपने घर में भी अगर आप बैठते हैं, दूरी बना के बैठिए, टाइम टू टाइम अपने हाथ धोइए, और हाथ मुंह आंखें जो है इनको बार बार आप छुए ना। तो सर, जैसे कि अभी हमारे पंजाब में अभी फसलों की कटान का सीजन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता जो है इस चीज पे देखनी है। जैसे कि अभी कटान चल रही है, तो पंजाब सरकार की तरफ से जो है कुछ विशेष नियम जो है पालन, उनको मतलब बताया गया है लोगों को कि आपको ये नियम जो है इनकी पालना करनी है। जैसे कि कटान के समय में आपको 2-2 मीटर की दूरी पे बैठना है, अगर आप जब कटान करते हैं, और बार बार हाथ धोने हैं उसमें। उसमें भी सर उसके कुछ विशेष और भी प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि फसलें आती हैं उनको मंडी में कैसे ले जाना है, सर ये सारे प्रबंध जो हैं, जैसे 4 और 5 गांव की मिला के एक मंडी बनाई गई है, जहां पे क्या होगा, हम जो किसान हैं वो पहले होलोग्राम पर्ची लेंगे, उसके बाद ही वो मंडी में जा सकते हैं। अगर उनको होलोग्राम पर्ची उनके पास होगी तभी वो मंडी में जाएंगे। और उनको ये भी हमने बताया है कि आपको जो है ट्रैक्टर पे सिर्फ जो है 50 क्विंटल कनक जो एक बार मंडी में आप ले जा सकते हैं, और ट्रैक्टर पे सिर्फ एक ड्राइवर और उनके साथ एक सहयोगी होगा, वो भी आपस में जो है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। पल्लवी जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से बता दिया। मैं सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतने बढ़िया तरीके से इन सारे संकट में समय अपने गांव को संभाला है, और गांव वाले आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सही है। किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, और निस्वार्थ भावना से पूरे देश का पेट पालता है। ये किसान और पशुपालक साथी ही हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के कारण देश को जरूरी अनाज, सब्जी, दूध, फल, इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहाँ संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करती थी। जैसे वो एक काम है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल
उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए, पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूँगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी। और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं।